आज मैं आपके बीच में ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है ना लेके आए हैं, जिसका नाम है लैग्रेंज थ्योरम। आज इसका स्टेटमेंट, इसके प्रूफ के बारे में जानेंगे, है ना, और ये कैसे हम लोग जनरलाइज जो हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना, आगे चल कर के बहुत सारा थ्योरम भी पढ़ते हैं, जो लिखते हैं कि भाई लैग्रेंज थ्योरम के माध्यम से हम इसको प्रूफ कर दिए हैं, चाहे लैग्रेंज थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि यह होता है कंडीशन, आगे के लैग्रेंज थ्योरम का कंडीशन होता क्या है और कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। देखिए लेक्चर 25। देखिए हम लोग यूज क्या करते हैं, कहता है कि लैग्रेंज थ्योरम की द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप किसका, ऑफ ए फिनाइट ग्रुप, कोई फिनाइट ग्रुप लिया जाए और उसका जो ऑर्डर होगा किसका, उसके प्रत्येक सब ग्रुप का, प्रत्येक सब ग्रुप का जितना ऑर्डर आएगा, मैंने एक ग्रुप का तो बहुत सारा सब ग्रुप होता है, उसका जो ऑर्डर आएगा इसे क्या हुआ, डिवाइजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी। मान लिया जाए कि जो ऑर्डर जी का है और एक एच क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का, इसका भी जो प्रत्येक सब ग्रुप का जो ऑर्डर आएगा क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ जी को, है ना, यही प्रूफ करना आपको, है ना, स्टेटमेंट यही बोलता है। जैसे स्टेटमेंट को क्या होता है, कभी कभी लोग अलग टाइप के भी ले देता है ना, ले देता है कि लेट, इसको हम प्रूफ कर दिए यहाँ पर, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी ऑफ फिनाइट ऑर्डर कितना, एन, है ना, चाहे ऐसा समझ सकते हैं आप संक्षेप में कि मान लिए जाए कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो एम है और ऑर्डर ऑफ जी जो है क्या है, एन है, और एच क्या है, सब सब ग्रुप है किसका, जी का। तो हम लोग क्या प्रूफ करना मालूम है कि एम जो है क्या करेगा, इज डिवाइजर ऑफ किससे, एन से, मैं ऑर्डर ऑफ एच जो है डिवाइड करके जो ऑर्डर ऑफ जी से, है ना, यह 100% ट्रू है और इसी को हम लोग यूज करेंगे कि लैग्रेंज थ्योरम से किसी का सब ग्रुप निकालेंगे, है ना, और सब ग्रुप निकालने के बाद उसका ऑर्डर निकालेंगे और लिख देंगे कि ऑर्डर ऑफ एच जो है डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिंपल है। इसका प्रूफ देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिया गया है, फिनाइट ऑर्डर एन, तो देन ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, एन हो जाएगा। सपोज कर लिए कि जो एलिमेंट है किसका, एच का, एच क्या सब ग्रुप है, उसके अंदर क्या एलिमेंट है, एच वन है, एच टू है, कितना एच एम तो लिया गया है, आर द एम मेंबर ऑफ एच, है ना, एम मेंबर कितना लिया गया है, एच का, देन तब ऑर्डर ऑफ एच कितना हो गया, एम तक गया तो एम हो गया यहाँ पर। तब यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट जो कहता है उसके अनुसार, देन वी हैव टू शो दैट ऑर्डर ऑफ जी एच जो है डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर क्या ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। इसका मतलब हुआ कि एम जो है डिवाइजर होगा ऑफ किसका, एन का। तो मान लेते हैं कि जो भी एलिमेंट निकालते हैं कोसेट वगैरह, देखिए हम किसे लेते हैं, ग्रुप जी से लेते हैं, ए बिलोंग टू जी, देन एच ए जो है, है ना, क्या है, राइट है, इज ए राइट कोसेट। पिछले क्लास में आप पढ़े थे कोसेट के बारे में, उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ऑफ एच इन जी वी हैव क्या होगा आपका, एच ए बराबर लिखेंगे क्या चाहिए, जो भी एलिमेंट एच से उठावेंगे कितना लिया, एच वन लिया गया, एच टू लिया गया, सब में क्या हुआ, मल्टीप्लाई होगा राइट साइड, एच वन ए, एच टू ए, डॉट डॉट
HMA HMA ये क्या हो गया राइट कोसेट हो गया आपको है ना। अब इसी में क्या हुआ कि हम लोग सपोज करेंगे कि अलग अलग होता है ना, यानी कि एच ए जो है क्या करेगा हैच एम डिस्टिंक्ट अलग अलग है मेंबर जो कि हम लोग मालूम था पहले से कि एच ए बराबर अगर एच बी है ना, तो ऐसा करते हैं सेम करते हैं ना कि दोनों इक्वल तभी होगा जब एलिमेंट इक्वल होगा है ना। एच आई ए बराबर एच जे ए एच आई ए बराबर एच जे ए है ना, तो क्या करेंगे हम लोग इसका तभी इक्वल होगा है ना एच आई बराबर एच जे, क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या है इक्वल यहाँ पर है सब इक्वल आई बराबर जे है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ईच प्रत्येक क्या अलग अलग है, तो क्या कहलाएगा जब अलग अलग है ना, तो बताया गया था कि अगर डिस्टिंक्ट है अलग अलग है या दोनों इक्वल होगा या डिसज्वाइंट होगा, दो एक कंडीशन हुआ है ना। इसलिए ईच एलिमेंट प्रॉपर्टी देख लीजिएगा कोशेट का एलिमेंट, तो ईच ऐसा कर दी ईच राइट कोसेट ऑफ एच इन जी हैज एम डिस्टिंक्ट मेंबर अलग अलग एम मेंबर आपका है ना। तो अगर ऐसा है तो कोसेट की प्रॉपर्टीज बताया गया था कि इफ अगर अलग अलग है तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं मिला सकते हैं एक साथ, इफ एच ए वन एच ए टू पूरा सेट है सब ग्रुप का एच ए के तक का है ना, एच ए के आर द के डिस्ट्रिक्ट एक के लिए के थे या के तक लगे के डिस्ट्रिक्ट राइट कोसेट ऑफ एच इन जी देन, तब क्या हुआ ये तो सिंगल के लिए था है ना, एच ए के लिए था उसको एच ए वन एच ए टू कहाँ था एच ए के तक लिया गया, देन जी बराबर कितना हुआ एच ए वन इसके साथ भी एम एलिमेंट है एच ए टू इसके साथ भी एम एलिमेंट है ऐसा कहते हैं ना यूनियन, इसके साथ भी क्या हुआ एम एलिमेंट है इसके साथ भी एम एलिमेंट है। अब यहाँ तक ऐसे बोल सकते हैं हम लोग है ना, इसको लिखने का तरीका और भी है कि अलग अलग है तो दोनों क्या हुआ सब आपस में जुड़ जाएगा अगर नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि टू डिस्ट्रिक्ट राइट कोसेट आर मैक्चुअली डिसज्वाइंट इसलिए देयरफॉर द नंबर ऑफ किसका एलिमेंट इन जी
इक्वल टू क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच ए वन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच वन प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच ए टू, इतना बढ़ते जाएगा ना, और द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच ए के तक है ना। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी ऑर्डर ऑफ कितना, जी, ऑर्डर ऑफ जी, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ जी कहलाता है। बताया गया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी में कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप बराबर है ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी बराबर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ जी। टोटल नंबर ऑफ कितना एच, कितना एम हो गया, एम तक गया था आपका, याद कीजिए पार्टिकुलर माना थे एक टर्म के लिए, ये भी एम तक गया, ये भी क्या एम तक गया है, कितना गया एम तक, कहाँ तक गया, के टाइम्स तक है ना, टू के टाइम्स तक गया है ये, के गुना तक, जहाँ जितना दूर जाएगा आपका एम है ना, यहाँ तक लिख रही है आप लोग, जहाँ तक जाएगा आपका, इसे मान लिया कि यूनियन मतलब सम हो गया यहाँ पर, यार इसको अलग अलग था इसलिए जोड़ दिया गया, यहाँ पर क्या ऑर्डर ऑफ जी जो है क्या है एन है, क्या है एन है, ऑर्डर ऑफ एच क्या था एम था, कितना हुआ टी एम, क्या के एम, कितना हुआ के एम, अगर एम गया के टाइम तक तो के एम, तो टेन टाइम तो टेन, जितना टाइम बोलेगा उतना तक मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो एम के बराबर कितना हुआ एन बाई एम, एन बाई एम, एम क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है किसको एन को, एम डिवाइड कर रहा है किसको एन को, तो हम लिख सकते हैं कि एम इज ए डिवाइजर ऑफ एन, हेंस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत जगह यूज करते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ एच इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, यहीं तक आपका थ्योरम जो है प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो लिया गया नंबर ऑफ एलिमेंट एच वन यूनियन था, सबको मिला कर लिखना था, तो मिला कर लिखना था तो एच के लिए था, एच ए वन के लिए था एम एलिमेंट है ना, ये भी क्या हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच टू कितना था एम तक गया था, ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना एक के तो कहाँ तक गया एम तक, कहाँ तक गया के टाइम्स तक, क्योंकि के नंबर ऑफ टर्म लिया गया था आपको ना, के टाइम पर लिया गया सब ग्रुप पे, अब के का मान निकल गया तो क्या हुआ एन बाई एम, यानी कि एम डिवाइड किया जाए किसको एन को, तो एम इज डिवाइजर ऑफ किसका है एन है, यानी ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए है ना सब ग्रुप इज डिवाइजर टू द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, क्लियर। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर दिए लैग्रेंज थ्योरम। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे है ना, न्यूमेरिकल भी इसका लेके आएंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्लास में।